हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कद्दू की खीर बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 कद्दू लिया है। इसे अच्छा सा धोकर इसका कवर निकाल दूंगी और फिर इसे ग्रेट करके लेंगे। इसके अंदर के बीज नहीं लेना है। अभी हमें कद्दू को ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखें, कभी कभी कद्दू कड़वे भी आते हैं, तो पहले चख लें फिर उसके बाद में उसको ग्रेट करके लें। चलिए अब हम कद्दू का खीर बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले मैं ये दूध गर्म कर ली हूँ। ये 2 लीटर दूध था, मैं इसे 1 लीटर होने तक, इसे श्रिंक होने तक मैंने इसे पका लिया है। अभी वो गाढ़ा होकर 1 लीटर हो गया है। बस 2 टेबलस्पून घी में हमें ये कद्दूकस किया हुआ कद्दू को अच्छा सा भून लेना है। ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है, बस नीचे लग ना जाए इसलिए थोड़ा सा घी डाल रहे हैं हम। कद्दू का कच्चापन जाने तक इसे पकाएंगे, तब तक कद्दू गल भी जाएगा अच्छा सा। ये कद्दू अच्छा सा भुन गया है, इसका पानी भी ड्राई हो गया है पूरा। अब हम इसमें डालेंगे ये खोवा। ये लगभग 200 ग्राम खोवा है, इसे भी हम अच्छा सा भून लेते हैं, ये मेल्ट हो जाए अच्छा सा और ये कद्दू के साथ में अच्छा सा पक जाए। ये खोवा अच्छा सा मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। दूध डालने से पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहूँगी। इसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा डालें, बेकिंग सोडा। इससे आपका दूध कभी नहीं फटेगा। काफ़ी लोगों का कंप्लेंट रहता है कि दूध फट गया है, लेकिन ऐसे कभी नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा इसमें सोडा डाल देंगे और उसके बाद हम दूध डालेंगे इसमें। आप देख सकते हैं ये एकदम गाढ़ा दूध हो गया है। इसमें मैंने मलाईदार दूध डाला है। इसे अच्छा सा पकने देते हैं। फ्रेंड्स, ये 50 ग्राम साबूदाना है। मैं इसे 1-2 घंटे के लिए पानी में भिगो लिया है। इसे थोड़ा सा क्रश करके हम खीर में डालेंगे। इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है। अब हम इसमें एक क्रश किया हुआ साबूदाना ऐड करेंगे। इसे भी अच्छा सा पकाते हैं। अभी हमने ये ठंडे दूध में 3 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर मिक्स कर लिया है। इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे, इसकी स्लरी बनाएंगे। कस्टर्ड पाउडर डालते हुए मिक्स करेंगे और सिर्फ वेनिला फ्लेवर के ही कस्टर्ड पाउडर लें। इसे कंटिन्यू हिलाते रहें। अब हम इसमें शुगर डालते हैं। लगभग 200 ग्राम शुगर जाएगी इसमें, फिर भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। किसी को ज़्यादा मीठा पसंद है, किसी को कम मीठा पसंद, तो वो हिसाब से डालें। शुगर बाद में डालें क्योंकि साबूदाना जल्दी गलता नहीं। खाली ऐसे ही डाल देंगे तो फिर वो सारा रह जाएगा। पहले साबूदाना और कद्दू अच्छा सा गल जाए, फिर उसके बाद शुगर डालें। अब इसमें 2 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। ये मैंने शुगर के साथ पाउडर बना लिया है, लगभग 5 इलायची है ये। इसे भी अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। सेम प्रोसेस में आप आर्टिफिशियल स्वीटनर भी ऐड कर सकते हैं। यही स्टेज पे आपको शुगर के बजाय
शुगर फ्री डाल सकते हैं आप। ये थोड़ा सा मैं ग्रीन फ्रूट कलर डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। खाना खाने में भी नहीं, देखने में भी अच्छा होना चाहिए। हल्का सा फूड कलर ज़रूर यूज़ करिए, इससे बहुत अच्छा कलर भी आएगा, बहुत अच्छा दिखेगी देखने में खीर। इसी कंसिस्टेंसी चाहिए, ये ठंडा होकर और गाढ़ा हो जाएगा। अब इसमें हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स है, ये काजू बादाम पिस्ता सब चीज़ों को मैंने बारीक काट के हल्का सा फ्राई कर लिया है। अभी ये डालेंगे हम इसमें और थोड़े गार्निशिंग के लिए रखेंगे। किशमिश भी डाला है मैंने इसमें। अब हम इसमें थोड़ा वेनिला एसेंस डालते हैं। लगभग 1 टीस्पून डाला है मैंने। बस एसेंस डालने के बाद पकाना नहीं है हमें। अभी मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे सर्व करते हैं। थोड़ा सा ठंडा होने देते फिर सर्व करती मैं। अभी हम एक खीर सर्व करेंगे। थोड़ी ठंडी हो गई है ये, हम इसमें फ्रेश क्रीम डालेंगे। अभी ये मिक्स ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें। किचन शेफ विद रुखसाना को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और बाजू के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। गुड डे, अल्लाह हाफिज़।